बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद वोटर बेदारी मुहिम। बड़ी तादाद में लोगों ने जामा मस्जिद की खिदमत से उठाया फायदा। हैदराबाद के सैयद खालिद सैफुल्ला की टीम ने मस्जिद पहुंचकर लोगों की रहनुमाई। सिटी जामा मस्जिद के खतीबो इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, जामिया मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। हैदराबाद के सैयद खालिद सैफुल्ला ने वोटर लिस्ट में आसानी के साथ नामों को दाखिल करने और मौजूदा नामों और पतों के करेक्शन और अपडेट के लिए missingvoters.in वेबसाइट और ऐप मुरतब किया है। इस ऐप के जरिए लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। नाम न होने या खारिज होने की सूरत में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए अपने मसले को हल कर सकते हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि सिटी जामा मस्जिद के तहत मुस्तकिल तौर पर वोटर फहरिस्त के सिलसिले में चंद रजाकार लोगों की मदद और रहनुमाई करेंगे। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। चूंकि इस वक्त हमारी रियासत में इंतखाबात का मौका है, इंतखाब के लिए जरूरी होता है वोटर लिस्ट में नाम होना। अगर नाम ही ना हो तो इसी सूरत में हम अपने हक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। चूंकि जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में वोट गिने जाते हैं तोले नहीं जाते। उस वजह से जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कोशिश की कि आवाम में एक बेदारी लेके आए। एक वोटर missing.in का एक ऐप बना हुआ है। इस ऐप के जरिए से बआसानी हर लोग अपने नाम को वोटर लिस्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो ट्रस्ट ने माशाल्लाह इन अहबाब से गुजारिश करके आज यहाँ इनको बुलाया और इनकी खिदमत हासिल की है ताकि उम्मत में एक बेदारी लेके आए। ये सिर्फ बेंगलुरु के लिए या यहाँ रहने वालों के लिए नहीं है बल्कि पूरे कर्नाटक में या पूरे हिंद में जहाँ कहीं भी जिनके नाम छूटे हुए हैं ये आप इस्तेमाल करके अपने नाम को दाखिल कर सकते हैं। इनकी पूरी टीम है, ये टीम मुकम्मल तौर पे काम कर रही है। और चूंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं बारीक चीज़ों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, BLO के पास जाके फॉर्म देते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं वो सारे दाखिल नहीं कर पाते। ये अहबाब पूरी जिम्मेदारी के साथ इन फॉर्मों को दाखिल करके उसे फॉलो अप करके जब तक उनका वोटर आईडी नहीं मिलता उस वक्त तक खामोश नहीं बैठते और उसके सारे सवालात रईस करके उनसे जवाब भी मांगते हैं। और ये पूरी खिदमत माशाल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे से आके कर रहे हैं। तो हम मुबारकबाद भी देते हैं और ट्रस्ट की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो तमाम अवामुल्लाह से हमारी ये गुजारिश है, जामा मस्जिद ट्रस्ट की गुजारिश है कि अब मौका है, आप सबसे पहले अपना नाम नौजवान दाखिल करें और उसके बाद जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उन अहबाब के नाम भी दाखिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसके बाद भी कोशिश करते रहेंगे, बहुत सारे नौजवानों को भी ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके यहाँ काउंटर भी अब आने वाले दिनों में कायम करके और लोगों की मदद करने की कोशिश की जाएगी। मरतबा गुज़िश्ता साल तकरीबन बेंगलुरु में 30,000 वोटर्स के नाम हदफ किए गए हैं। इस पर हमारी नज़र थी, अल्लाह के फजल करम से आज जो है एक हमारे कोई कमला मिला है, एक साहब मिले हैं जो मुखिर हैं, जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो अपना कार्ड बनाने की कोशिश करें। अगर पते तब्दील हो गए, एड्रेस चेंजेस हो गए हैं तो उसको चेंज कर लें, सही करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यही हमारी आवाज़ है, बस शुक्रिया। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, missingvoters.in हमारा एक वेबसाइट है, missingvoters.in हमारा एक वेबसाइट है, उसमें जाइए आप सारे। उसमें आपको क्लिक टू डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, missingvoters ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आप डाउनलोड करके ओपन करके अब पहले रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं किसका नाम वोटर लिस्ट में है, किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप जो है अप्लाई फॉर वोटर आईडी, उसी में ऑप्शन मिल रहा है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारे हजरात से गुजारिश करता हूँ आप missingvoters ऐप इंस्टॉल करिए और अपने जो भी हजरात हैं उनका सबका अप्लाई करने की कोशिश करिए। आईफोन और एंड्रॉइड के लिए? हाँ, दोनों के लिए काम करता है। दोनों में है क्या? जी हाँ।
नहीं, हमारा काम तो देखिए ऑल ओवर इंडिया चल रहा है अभी अभी फिलहाल कर्नाटक के लिए फोकस कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। हजरत के हजरत जो है हमारे लिए बहुत सपोर्ट करे हैं वहाँ को, तो थोड़ा आप लोगों यूथ से गुजारिश है, तो आपका काम ये है कि आजू बाजू जो भी है मिसिंग वोटर ऐप इंस्टॉल करिए, और किसका भी वोटर कार्ड नहीं है तो इमीडिएट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं हम। करेक्शन भी इसमें हो सकता है, आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे आप ओपन करोगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स एक बार की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको सेलेक्ट करना है और उसमें डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, बस आपको दो तीन फोटो क्लिक करके आपको अप्लाई कर सकते हैं। सर ये जो मिसिंग वोटर्स ऐप जो है ये हर कोई भी यूज कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल, हर कोई के जिम्मेदारी होना चाहिए इसको यूज करना। नहीं नहीं नहीं, आप वॉलंटियर या आप इंडिविजुअली आप जो भी हजरात करना चाहते हैं अपने फोन से जो भी कर वो हर कोई कर सकते हैं। कितने दिनों में ये इसका नतीजा? देखिए नॉर्मली 8 डेज में आपको वोटर कार्ड आ जाता है, हमारी टीम जो है फॉलोअप भी करती है उसको, जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम कामरान खान है और ये जो है मिसिंग वोटर ऐप खालिद सैफुल्ला, सैयद खालिद सैफुल्ला। इनका प्रॉब्लम था वोटर आईडी कार्ड था, वोट लिस्ट में से नाम डिलीट हो गया। अभी आपने क्या किया? मैं इनका ऐप में खोला, ऐप में खोल के चेक कर रहा, वोट लिस्ट में नाम नहीं था। अभी ऐप मिसिंग वोटर हेल्पलाइन में मैं न्यू वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन करने में ये दिखाया, अभी अपलोड करके दे रहा, अपलोड करके दे रहा, हो जाता।